gone. He looked a dead duck. So with Patel. Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. अजमेर प्रॉपर्टी डीलर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन के बैनर तले अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सेल्फ असेसमेंट रोकने, मास्टर प्लान लागू करने, अवधि विस्तार शीघ्र करने, नियमन फाइलें रोकने, एडीए की योजना में अतिक्रमण हटाने और विकास कार्य कराने से संबंधित कार्य की विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कथित घोर लापरवाही और अनदेखी से एडीए की गिरती शाख पर प्राधिकरण अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स ने ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सेनानी और एडीए आयुक्त स्नेहलता पवार ने अपनी अपनी बात रखते हुए बताया। डीलर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन के लोग आए थे। अभी मुख्यतः ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब, अभी जो दिसंबर में गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया है कि जब तक कि बियॉन्ड लिमिटेशन, यदि कोई किसी का कंस्ट्रक्शन है सेटबैक में, तो जब तक वो नहीं गिराएगा तब तक उसका नियमन योग्य क्षेत्रफल का नियमन नहीं होगा, उसको लेकर के ये आए हैं। और भी कुछ इश्यूज जो भी उन्होंने उठाए उनको हम एग्जामिन कराएंगे। यहाँ पर एकल खिड़की जो बनी हुई है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। हमने रिक्वेस्ट करी है रजिस्ट्रार महोदय से कि इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा था कि जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, उनको विकास कार्य किया जाए, जैसे लोगों को वहां पर मकान बनाने की सुविधा मिल जाए। और तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो सेटबैक में जो अतिक्रमण हो जाता है या सेटबैक में जो निर्माण हो जाता है उसको 50% तक को पेनल्टी लेके वो रेगुलराइज कर देते थे, पर अभी इन्होंने ये राज्य सरकार का आदेश आया है जिससे वो बंद कर रखा था। हमने उसके लिए भी कहा है कि इसको चालू किया जाए। और एक जो सबसे बड़ा मसला है अवधि विस्तार का ऐसा सुनने में आया था कि वो 1 अप्रैल से बंद कर रहे हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि भाई उसको जारी रखा जाए। कोटला आवासीय योजना में हैदर अली और साहबुद्दीन के नाम पर भूमि के बदले भूमि भूखंड संख्या 383 का आवंटन हुआ, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कथित घोर लापरवाही के चलते उक्त भूखंड पर अन्य व्यक्ति ने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया, जबकि लीज डीड समय अवधि में जारी नहीं किया गया, जबकि समस्त राशि प्रार्थी द्वारा पहले ही जमा करा दी गई। आईडी के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करके उस पर अतिक्रमण कर हुए हैं, उन्होंने उस पर कब्जा हटा रहे हैं। हर महीने आके मिलता हूँ, 15 दिन आके मिलता हूँ, बोले शांतना देते, बोले हाँ हड़िया हटा नहीं रहा कब्जा। कम 2 साल हो गए मेरे को और मैं इतनी चांपता नहीं दे रहा हूँ, 4-5 दिन के अंदर इन्होंने कब्जा नहीं हटाया तो पूरी एडी के अंदर नंगा होकर चड्डी खोल के या नंगा होकर घूमूंगा। और यह बिना भ्रष्टाचार के बिना लिखे दे रहा हूँ, शपथ पत्र लिखे कि बिना लिखा बिना शपथ कि बिना रिश्वत के काम नहीं करते अधिकारी लोग। एक लीडर पट्टा होता है, मैं लेट होता है, लेट होने 30 दिन के अंदर पास होता है, पट्टे जारी हो जाते हैं क्या? और हमारे आज 2 साल हो गए, एनओसी जारी होते हैं, 3-4 प्लॉट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नोटिस पैसे आते हैं भर भर के अधिकारी के पास। में लिखे दे रहा हूँ सबूत के साथ, इनके साथ पत्र खोल दूंगा इनके चिट्ठे।